उल्लूपुर तक तो जाने चाहिए आवाज। मेरा नाम शकीला सैयद है, मेरे शौहर का नाम जावेद सैयद है। मेरे ससुराल वाले ने मुझे बहुत परेशान करके रख दिए हैं, मुझे घर से निकाल दिए। मेरे शौहर ने मेरा दहेज वगैरह सब कुछ भेज दिए और ऊपर से मेरे को कोर्ट में भिजा के मेरे सिग्नेचर करवाए कि मैंने अपनी मर्जी से भेजी। और महिला मंडल भी हुआ है, महिला मंडल से ले जाके मुझे 8 दिन अच्छे से रखे। उस दिन में मुझे इतना मारे बहुत मारे जो मेरा मिसकैरेज हो गया मार मार के। फिर बाद में मेरे रूम में दागिने का सब कुछ, मतलब सब कुछ लिखा के करके मेरी बच्ची को जोर दे के कि मैं तेरी बच्ची को मारूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। पूरे घर ननन ससरे देवर सास मेरे शौहर सब लोग ने मेरे साथ बहुत गलत किए। मेरे हर चीज़ मतलब मेरे खिलाफ़ कर दिए लोग ने कि तू कहीं पे भी जाएगी तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, तू कहीं पे भी चले जा मेरे पास पैसा है, मैं पैसा फेंकूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे इतना मजबूर कर दिए, ना मुझे खर्चा देते ना कुछ नहीं। 2.5 साल से मुझे मेरे पापा के पास छोड़ दिए है। आज लेके जाऊँगा कल लेके जाऊँगा, लेकिन नहीं जाने का कोई वो नहीं है। कहाँ काम करते किधर रहते, कभी दिल्ली कभी ओसू कभी मैसूर, माँ बाप के पास ही रहते यहाँ पर आते तो। और माँ बाप के पास आते सिर्फ हमारे पास 1 घंटे के लिए आते या 1 दिन के लिए आते, उसमें सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए ही मेरे पास आते और चले जाते। व्हाट्सएप पे गंदे गंदे मैसेज वगैरह भेजते, हाँ। और अभी मुझे एक इसके हस्बैंड ने इसको तलाक का नोटिस भेजा है और नोटिस भेजने के 1 दिन पहले इसके साथ सो के गया है एंड शी इज प्रेग्नेंट नाउ। जोर से बोलो तुम्हारे हस्बैंड का नाम। जावेद सैयद। फोटो दिखाओ हस्बैंड का। किधर रहता है? किधर रहता है पता नहीं, जोगेश्वरी में घर खाली कर दिया मुझे पता नहीं। आता मिलने तो किधर आता? अभी नाला सुपारा में मुझे कब मिलने के लिए आते? मेरे पापा के पास। फोटो दिखाओ। 2.5 साल से छोड़ दिए मुझे, मेरी बच्ची है ना, मेरी बच्ची को केयर करते ना पूछते कुछ नहीं। और सब मेरे खिलाफ सबूत बना के रख दिए हैं कि तू कहीं पे भी चले जा, मैं तेरे को कहीं पे भी कुछ भी करने नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, खाली फोटो दिखा, टेंशन मत ले। मैं बोलती हूँ उनको मुझे तलाक नहीं चाहिए, तो बोलते नहीं मेरे को छोड़ देने का, नहीं तो बेटी को मेरे को दे दे। और अभी जो प्रेगनेंट है वो बोलते मैंने वीडियो उनकी रखी हूँ सब रिकॉर्ड, बोलते तू छुतिया बनाने के धंधे मेरे सामने नहीं करना। बोलो किसी को भी बता देना लेकिन मेरे सामने छुतिया बनाने के धंधे नहीं करना। और फिर फोन पे बोलते फोटो निकल, फोटो निकल। ये मेरे हस्बैंड, मेरी हालत इतनी खराब कर दी है। हमारे सरप्राइज भाई लोग ढूंढो इसको, इसको जरा देख लो ये कितना महारथी आदमी होगा। सेल्फी ले रहा है बेचारा, तेरे तो मैं सेल्फी स्टिक भी तोड़ दूंगी रे, तेरे को तो बहुत लाफे मारने वाली हूँ मैं। काजी के जरिए जिसने निकाह किया ना उसके उसको पैसे खिला के ये नोटिस भेजे, लेकिन हम लोग ने लिए नहीं नोटिस। निकाहनामा भी नहीं दिया, दहेज वगैरह सब कुछ बिका दिए, दागिना भी नहीं दिए कुछ भी नहीं। और मेरी सास को कैंसर है। हाँ, और कहाँ रहते किधर रहते अभी तक एड्रेस पता नहीं। जोगेश्वरी में बोले घर बिक गए टूट गए, जोगेश्वरी में बिल्डिंग बनने वाली है तो लोग कहाँ रह रहे किधर रह रहे, सिर्फ खाली इतना मालूम है कि मीरा रोड में रह रहे। और ये तो कुछ बताते नहीं कि कहाँ काम करते किधर करते कहाँ रहते किधर जाते कुछ भी नहीं। सब बातें मेरे से सब छुपाते। क्या काम करता? क्या काम करते? ये मशीनों के काम करते हैं, ये गाड़ी वगैरह जो मेन पास आते ना उसके काम करते हैं। बहुत अच्छा मोबाइल नंबर है उसका? हाँ मोबाइल नंबर भी, और उनके यूट्यूब पे सब अपना डाले हैं मशीनों का जो काम करते हैं। ढूंढ लेंगे हम लोग, कार्ड भी है इनसाइड कंपनी। ढूंढ लेंगे, ढूंढ लेंगे। मेरी थोड़ी आदत खराब है लोगों को ढूंढ के निकालने की, मैं ढूंढ लूंगी। बहुत परेशान करके रख दिए। पापा के पास कब तक रहूंगी? मेरा कोई आगे पीछे भी नहीं, मम्मी का भी इंतकाल हो गया, अब पापा बुढ़े हैं, उनको कुछ कमाने के लिए चुप हो जा। मैं किसके भरोसे, मेरी बच्ची किसके भरोसे रहेगी? इंसान को खाने की औरत इसके लिए क्या यूज करो और फेंक दो? हाँ
औरत इसके लिए शादी करा के कोई लेके जाता है क्या जिंदगी चलाने के लिए? मेरी बच्ची के पास बच्ची को भी नहीं सोचते। मेरे ससुराल वाले इतने इतने बेकार हो गए, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ना मेरा दागीना, ना मेरा दहेज, पूरा प्रूफ अपने। लेकिन मैं कहाँ पे भी जाऊँ तेरा नहीं सुनेगा, मैं पैसा फेंकूंगा ना। मेरे सासुर ससुर लोग बोलते तेरी जिंदगी हम लोग इतनी बदतर बना देंगे, तेरे को पूरा बर्बाद करके छोड़ देंगे। आज वही पूरा मेरे को बर्बाद कर दिए। मैं माशाल्लाह इतनी अच्छी थी, टेंथ तक पढ़ी हूँ मैं, बहुत अच्छी थी। लेकिन आज मेरी हालत देखो कैसी है, मैं पैसे पैसे को मोहताज हूँ। आज मेरे आदमी ने मेरी जिंदगी इतनी झंड बना दिया है। ओए चुप हो जा, चुप हो जा। मैं बहुत ढाई साल से परेशान हूँ, बहुत परेशान। चुप हो जा, चुप हो जा। तू मेरे पास आई है ना, अब तेरे रोने के दिन खत्म हुए। चुप हो जा, मैं यही हूँ। तेरे रोने के दिन बेटा खत्म हुए हैं, अब उसके चालू होएंगे। चुप। बहुत बहुत चाहती हूँ कि मन से काम कराए आपा के पास। कब तक हो गया आज मेरा काम है तो मुझे संभाल लेगा। मैंने इसकी वजह से किस जाएगा करके मतलब घर का भाड़ा भी तू ही भर। अरे बूबू चुप हो जाओ यार, हमारी टीम की प्रॉब्लम ही यही है, एक कोई किसी को रोता हुआ देखते तो बाकी सारे रोना चालू कर देते। कभी भी मैं ना तेरे बच्चे छीन के लेके चले जाऊंगा। हाँ बोला तू छीन के लेके जा, हमारे पास टीम ऐसी, हम वापस छीन के लेके आते। आप पुलिस स्टेशन नहीं गए? पुलिस स्टेशन में गई थी, लेकिन वहाँ से मुझे प्यार मोहब्बत लेके आ जाता है। पुलिस स्टेशन में आप जाते हैं प्यार मोहब्बत से लेके आ जाते हैं? लेके आ जाता है। तेरे को भी प्यार करने पुलिस स्टेशन ही मिलता क्या? तेरे को भी प्यार करने पुलिस स्टेशन ही मिलता क्या? पुलिस स्टेशन में प्यार मोहब्बत से लेके आता तू आ जाती है। पूरे घर वालों को भी तोड़ दिया, मेरी फुप्पी ने मेरी शादी करवा के दी है मेरे को। पूरे घर वालों से मेरा रिश्ता तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया मेरे को। घर वाले से भी मेरा पूरा हर चीज से मुझे तोड़ दिया। चल चुप हो, अब मुझे छोड़ने के इसमें है। चुप 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 एकदम चुप।